घर में बच्चा दूध पियाते हैं तो ससुर देवर घुस जाता है, किचन में खाना बनाते हैं तो ससुर भी खा रहा है, देवर जंगे पर खा रहा है, बच्चा के दूध पिलाते हैं, शराब बेचता है, गांजा दारू बेचता है ससुर, एक पापा दारू लगा मोबाइल पर तो गाड़ी बकते रहता है 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात में। ये एक पीड़ित महिला है, इनका नाम रजनी कुमारी है, इन्हें ससुराल वालों के द्वारा बहुत ही भयानक प्रताड़ना किया जा रहा है। ससुर छोड़िए, देवर छोड़िए, पति भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ससुर की बात करें, उनकी गंदी हरकतें आप जानेंगे तो आपको समाज से भरोसा उठ जाएगा। हम क्या बताएं, रजनी कुमारी जी से पूरी आप बीती पहले सुनिए। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? दानापुर से। आपके साथ क्या क्या हो रहा है, पूरा बताइए कहानी। हमको घर में बच्चा दूध पियाते हैं तो ससुर देवर घुस जाता है, किचन में खाना बनाते हैं तो ससुर भी खा रहा है, देवर जंगे पर खा रहा हो जाता है। ये कब से हो रहा आपके साथ? ये 4 साल से भी हो रहा। तो 4 साल से आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या आपने कभी किसी से संपर्क नहीं किया? नहीं, न्याय के लिए नहीं किए थे, बाकी नहीं सुधरा था। पति क्या करता है सब चीजों में, क्या कहता है? वो कहता था हम नहीं जानते। तो फिर हमको बोला कि आप समझो तू करता है, तो हम ना उसे लाइन पर रहते हैं, हम जानते हैं। अब वो कितना बाल बुतरू है? 2 लड़का है। दोनों की उम्र क्या हो रहा है? 1.5 साल का और 3 साल का है। अच्छा, आपका पति का नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। वो क्या काम करते हैं? कुछ भी काम नहीं करते। तो फिर घर का रोजी रोजगार कैसे चलता है? सासू चलाते हैं। ससुर चलाते हैं? ससुर क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, लेबर में कमाते हैं। क्या उनका नाम क्या हुआ? परान कुमार। अच्छा, आपने अपने सासू माँ से शिकायत किया? वो किए थे, वो कोई था, हमको ऐसी गलती करता था, तो पहले का गलती करता था, हमको नहीं नहीं गलती चाहिए ऐसे। तो ससुर क्या क्या करता आपके साथ? सब चीज काम करता। क्या क्या? वैसे पैसे खरीद, बच्चा के दूध पिलाते, शराब बेचता है, गांजा दारू बेचता है ससुर, एक पापड़ दारू लगा घर में बेचता है, देवर भी है तो लाके गोरी बंदूक घर में रख ले रहता है। कितना आपके पति को कितना भाई है? 3 भाई है। तीनों को काम नहीं करता है? नहीं, 2 को पढ़ता है बस। अच्छा, आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपने ससुर के ऊपर, ये सच है? है, सच है, हम देखे आँख से। 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं? 4 साल से हो रहे हैं। आप कौन? इधर आई, इधर पिताजी हुआ, इनके पिताजी हैं। हाँ। ये इनके पिताजी हैं इस महिला का। क्या नाम हुआ अंकल? महेंद्र प्रसाद। कहाँ काम करते हैं आप? सचिवालय में। सचिवालय में काम करते हैं? तो आपने पहले जांच पड़ताल नहीं किया जो बेटी की शादी करवाने से घर में? पहले क्या करे सर, जब पहले होता था कि चल भैया लड़का ठीक है, घर द्वार ठीके है। हाँ। इसमें हम लोग शादी करी है। अच्छा, दहेज कितना दिए थे? दिए थे 4,000, 4 लाख। 4 लाख दहेज दिए थे? जी। लड़का कोई काम उसमें करता था? ना, काम नहीं करता ना था। नहीं नहीं, 4 लाख दहेज दे दिए बिना काम का? सब कहा कि घर द्वार अच्छा है, इसलिए उसको हम कैसे कर दिए। कर दे। कितना आपको बाल बुतरू है? हमको 6 गो बच्ची 4 लड़का। अच्छा, 6 गो लड़की 4 गो लड़का आपको? हाँ। सबका शादी ब्याह, सबका पुतवा तो हमारा घर में बस रहा है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर पे आती है आपकी बेटी? है 5वां नंबर। 5वां पर है। अच्छा, तो आपने अपने दामाद से बात करने की कोशिश किया इस मैटर पर? उसको किया, मोबाइल पर तो गाड़ी बकते रहता है 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात में, तो उससे कौन बात करेगा। 18 अक्टूबर को ऐसा ऐसा गाड़ी बक्का है। हाँ। 1:30 बजे। हाँ। कि क्या हम आपको बतावे उसको? वो दिन से गाड़ी बंद किया हुआ है, वो दिन से। अच्छा, आप कब से चक्कर काट रहे थाना का? थाना का तो हम सीनियर SP के दे दिए, चीफ सेक्रेटरी के दे दिए, शाहपुर थाना में दिए, शाहपुर थाना में भी बोला है। हाँ। सबको, एक को दिखाई दामाद जाता था और को बेटा जाता था। अच्छा, को मतारी। वैसे आपने क्या क्या आरोप लगाया है? कौन आपने क्या क्या आरोप लगाया है? यही आरोप है जो आपकी जो बेटी कह रही है। हाँ, वही है। बढ़िया से इसको खाना खुराक दो, अलग बना के खाएगी। रहती कहाँ है आज के तारीख में? ये अभी तो भौजाई के यहाँ। भौजाई के यहाँ है जी, मुबारकपुर। यहाँ तार सगुना है, जमसौद में। आप पति आपके साथ हैं अभी? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बात उतने होता है पति से ना? क्या बोल रही है मैडम यहाँ पे, महिला थाना वाली मैडम? इनके लिख के दे दीजिए, आपको चिट्ठी जाएगा घर पर, जाएगा चिट्ठी, वो आएगी। कब से यहाँ पे आ रही हैं आप? यहाँ तो आ जाए हैं, आ जाए हैं आप। ये ना मैडम का नंबर दी थे, आपको सास इधर आइए ना, इधर आइए। हाँ, बोलिए। ओकर सास, इनकर
बाप आया हुआ था यहाँ। अच्छा, वो दिन बोलाहट हुआ कि यहाँ आइए, वो दिन थे ये था महिला योग हुआ। अच्छा, छज्जु बाग। हाँ, तो हुआ बोला कि नहीं तू यहाँ आबो। हाँ, तो मैडम यहाँ कोई इंचार्ज है। हाँ, तो वही कहन के रजनी जी जो यहाँ आइए, 11 तारीख को हुआ सुनवाई था। अच्छा, 11 तारीख को 9 तारीख को यहाँ केस किया। अच्छा, अंकल ये बताइए आप 4 सालों से परेशान है? 3 साल से दम का परेशान है उससे। अच्छा जी, हाँ देख सकते हैं ये इनके पिता हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, काम करते हैं, 4 लाख रुपया तिलक देकर शादी करवाएं कि इनका पति इनको ढंग से रखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनके पति के पिता, उनकी नज़रें गंदी हैं इनके प्रति। ये महिला 4 साल से दौड़ रही है लेकिन इंसाफ देने के लिए कोई सामने नहीं आया है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर, इस तरह से महिला सशक्त हो रही है बिहार में। अब बताइए इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? अक्सर अब बिहार में सुनते होंगे कि महिला ने आत्महत्या कर लिया, महिला ने ये कर डाला। उपस्थता कहाँ से समस्या है? यहाँ से उपस्थता है। सोच लीजिए इनका ससुर ही दानव बना हुआ, राक्षस बना हुआ, इनका देवर ही इनको नोच रहा है। ये महिला जाए तो जाए कहाँ? दुर्भाग्य है कि महिला के लिए तो कानून बना दिया गया है लेकिन पालन कहाँ हो रहा है? 4 सालों से चक्कर काट रही है। अगर इनको पहले इंसाफ मिल गया होता तो क्या यह महिला आज गर्दनीबाग महिला थाना आती? नहीं आती। यही महिला कल दिन कुछ कर बैठेगी तो सब लोग हरकत में आ जाएगा, थाना हरकत में आ जाएगा, प्रशासन हरकत में आ जाएगा, सरकार हरकत में आ जाएगा। अरे भैया, समस्या होने से पहले, घटना होने से पहले उसे निवारण क्यों नहीं किया जाता बिहार में? इस महिला का जो होगा भगवान जाने, लेकिन हम मीडिया बंधु के द्वारा जो मदद हो सकता है हम लोग करेंगे। अगर आपको इनकी परेशानी समझ में आई है तो इनके हित में, रजनी जी के हित में, इनके 2 बच्चे के हित में शेयर कीजिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।